हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पालक पनीर, बहुत ही इजी मेथड है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पालक, धनिया, टमाटर, एक प्याज लिया है, दो हरी मिर्च ली है, नमक लगेगा, गार्लिक, लहसुन लगेगा, जीरा, पनीर लगेगी और किचन किंग मसाला लगेगा और कॉर्नफ्लावर एक चम्मच लेना है और तेल। अभी मैं पहले गैस शुरू कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा, दो चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया है। इसमें पहले डालेंगे गार्लिक और जीरा। अभी इसमें डालते हैं प्याज, टमाटर, और ग्रीन चिली दो ली है मैंने। अभी इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। अभी हम इसमें डालते हैं थोड़ा धनिया और पालक। धनिया आप डालिए, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और इसे बिल्कुल 10 सेकंड ही हमें पकाना है, ज्यादा पकाना नहीं है। थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं और गैस कर देते हैं बंद। ज्यादा पकाना नहीं है इसे, नहीं तो सारे न्यूट्रिशंस इससे निकल जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस हम इसे कर देते हैं बंद। अभी मिक्सर के पॉट में इसमें से निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा पालक हो जाना चाहिए, ऐसा ग्रीन कलर दिखना चाहिए। अभी हम पैन गैस शुरू कर देते हैं। वही पैन मैंने यूज किया है। इसमें डालते हैं थोड़ा तेल और इस तेल में मैं पनीर फ्राई कर लेती हूँ। आपको कच्चा पनीर पसंद है तो आप कच्चा डालिएगा, लेकिन फ्राई किया हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। हमारा पनीर फ्राई हो गया है। अभी इसमें डालते हैं पालक की पेस्ट। कितना प्रॉपर कलर आया है पालक का। इस तरह हमारा कलर भी मेंटेन होना चाहिए। अभी इसमें हम नमक डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। और किचन किंग मसाला, बाकी कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है। किचन किंग मसाला एक पंजाबी मसाला है, इसे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है और बहुत ही जल्दी जल्दी फटाफट ये पालक पनीर बन जाता है। सुबह टिफिन में भी आप बना के दे सकते हो।
अभी इसे 2 मिनट हम पकाते हैं। अभी हम 5 मिनट इसे रखा था। इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है। कॉर्नफ्लावर से इसकी बाइंडिंग जो है इतना अच्छे से आती है, बिल्कुल हमें होटल के जैसा ही पालक पनीर मिलेगा। इसे अभी 2 मिनट पकने देते हैं और इसमें मैं थोड़ा बटर डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी बटर से। अभी हमारा पालक पनीर हो गया है, सर्विंग बाउल में से निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। थैंक यू।